नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश है दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा इन्हीं पांच कारण की वजह से, पांच गलती की वजह से, पांच कमी की वजह से आपके गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पाता है। वो पांच कमियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। अब हम दोस्तों अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, जो पांच पॉइंट ऐसे हैं, पांच ऐसे कमियां हैं जो हम गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पाता, तो पहला अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों परजीवी। यानी जैसे कि परजीवी सब कुछ आ जाता है, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, किलनी हो गया, जू हो गया, चीचड़ हो गया। आपके गाय भैंस के अगर इस तरह का दिक्कत है, परजीवी परेशान कर रही हैं, मक्खियां परेशान कर रही हैं, मच्छर परेशान कर रहे हैं, तो इसके कारण भी आपकी गाय भैंस दूध नहीं देंगी, दूध कम देंगी। तो इसके लिए आपको मार्केट में बहुत से जो है दवाइयां मिल जाएंगी, आप उसका इस्तेमाल करके इन परजीवों को दूर कर सकते हैं। अगर परजीवी आपके गाय भैंस के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान कर रही हैं, चीचड़ परेशान कर रही हैं, तो भी दूध घट जाएगा, दूध नहीं बढ़ेगा। अब इसी में हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, तो दूध निकालने का तरीका। दूध निकालने का तरीका अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, जो सबसे खराब तरीका है वो इस तरह का है। कोई देखते हैं कि ऐसा दाबते हैं इस तरह से अंगूठे से, तो उन्हें दिक्कत होती है। दूध निकालते समय आपके पशुओं को अगर दिक्कत हो रही है तो भी वो दूध चुरा लेंगी, दूध कम देंगी कि जल्दी से दूध निकले और हमें छुट्टी मिले। तो इस तरह से कभी ना दूध निकालें अंगूठे से, उन्हें दिक्कत होता है। जब भी दूध निकालें, जिस तरह से जो उनका बच्चा होता है गाय भैंस का दूध पीते हैं ना, तो वो इस तरह से पीते हैं, ये अंगूठा ऐसा ऊपर रखिए, इस तरह से दाब के दूध निकालिए, बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा। ये तो आप जो है मशीन द्वारा भी निकाल सकते हैं, काफ़ी ठीक रहता है। अगर हम दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूध निकालने का समय, समय एक निर्धारित रखिए, उसी समय पर उसी टाइम पर हमेशा जो अपने पशुओं का दूध निकालें, टाइम इधर उधर ना करें। एक समय आप एग्जिट रख दीजिए, हमें नेट जो है 5 बजे दूध निकाल लेना है सुबह में, 5 बजे शाम को, तो उसी समय से आपको दूध निकालना है। समय भी काफ़ी मायने रखता है, उससे भी दूध जो है घट बढ़ होने लगता है। अगर समय आप जैसे 5 बजे निकाल रहे हैं रोज, एक दिन 4 बजे निकाल लिए, दूध घट जाएगा। और अगर 5 बजे निकाल रहे हैं शाम के समय, वही 4 बजे निकाल ले रहे हैं, उसमें भी दूध घट जाएगा। तो एक समय निर्धारित करिए। अगर दोस्तों हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा पॉइंट आता है आहार। उनके आहार में एनर्जी वाला जो है जो दाना होता है जरूर दें। एनर्जी अगर हम बात करें तो जैसे दाना आता है मोटा अनाज, जितने ही मोटे अनाज आते हैं सब दूध बढ़ाने की क्षमता रहता है उसमें, मक्का जौ बाजरा गेहूं जो भी होता है, तो उससे जो है मोटे अनाज खिलाइए और एनर्जी भी दें। एनर्जी भी आता है अलग से, एक्स्ट्रा जो आता है, जैसे कि मिनरल मिक्सचर पाउडर हो गया, ऐसे तमाम जो आते हैं, तो उन्हें भी आप मिक्स जो है करके दें अपने पशुओं को, एनर्जी बूस्टर, यानी एनर्जी उन्हें मिलती रहे और नए मोटे जो अनाज होते हैं उसको भी खिलाते रहें। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो आता है पानी। दूध के अंदर दोस्तों 85% पानी पाया जाता है, तो अपने पशुओं को 24 घंटा पानी उपलब्ध कराएं। अगर उन्हें पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं, लेट लपेट करते हैं, तो भी दूध कम देंगी। तो इसके लिए जो भी आपकी सुविधा है, जिस तरह बांधने की सुविधा बनाया गया है, वहाँ पर 24 घंटे पानी अवेलेबल रखें, ताकि जो भी वो खाती हैं, जो भी उखा रही हैं, दाना खा रही हैं, राशन खा रही हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है पानी की, तो उन्हें तुरंत पानी मिल जाए। अगर पानी समय पर पा जाते हैं तो उनका जो अंदर जो चारा जाता है बहुत तेजी से हजम होता है, जल्दी हजम होता है, सही समय पर हजम होता है। अगर वही दाना जो है सही समय पर हजम नहीं होगा तो भी वो दूध नहीं देंगी। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।